अनंत अनंत कृपा से श्री गुरु महाराज जी की दयालुता से हम सबको ये संत समागम मिलता है हर श्वास श्री नंगली वाले के नाम। और श्री गुरु महाराज इतने दयालु हैं कि अपने साथ अपने संत महापुरुषों का आशीर्वाद हमें यहाँ पर सबको घर बैठे हुए मिलता है और हम बहुत सौभाग्यशाली हुए हैं जिनको आज श्री गुरु महाराज जी के दर्शन के साथ साथ संत महापुरुषों का दर्शन भी हो रहा है। और मैं सुबह भी यही कह रहा था कि श्री गुरु महाराज जी की इतनी अपार कृपा है कि हर जगह से कोई भी ऐसा स्थान भारत में नॉर्थ एरिया में नहीं रहा जहां से गुरु महाराज जी की संगत यहाँ चंडीगढ़ में आज समागम में ना आई हो। तो मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सेवा समिति की तरफ से मैं सबसे पहले संत महापुरुष जितने भी यहाँ आए हुए हैं उनके श्री चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका आशीर्वाद हमें यूं ही सेवा समिति को मिलता रहे, संगत आपकी यूं ही दर्शन करती रहे और यूं ही प्रवचन हमें सुनने को मिले। और बाहर से जितने भी संस्थाएं सेवादार आए हुए हैं, छपरा से, फिरोजाबाद से, दिल्ली से, लुधियाना से, करनाल से और भी बहुत से स्थानों से, सबका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। और बहुत सारी संगत जो भी यहाँ आई हुई है सभी का दिल से धन्यवाद करूंगा। और बहुत से ऐसे भक्त हैं हमारे जिनका इस प्रशासन की तौर से भी हमें बहुत सहयोग मिला है, हमारे पांडे भैया है और भी बहुत से नाम है जो अनभिज्ञ है उनका सबका हमें सहयोग मिला है। मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा और आशा करता हूं कि आप ऐसी ही अपनी तन मन धन की सेवाएं सभी गुरुमुख देते रहेंगे क्योंकि ये गुरु महाराज जी की सेवा है जो तन मन धन से ही की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आदरणीय कविता भाई जी से निवेदन करूंगा